लेती हूँ ना। सो हे गाइस, जय श्री राम, राधे राधे। ये लास्ट डे हमारा शिमला में है और आज हम जा रहे हैं घुमाई। हमें खुद नहीं पता आज हम कहाँ जा रहे हैं, पर जहाँ भी जाएंगे हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पे भैया भाभी अंकी चले गए ऑफिस क्योंकि मंडे है, और यहाँ पर अमित जी अट्टू के साथ। अट्टू, अट्टू ने क्या वामा पहना है भैया आज? क्या हैंडसम हमको, क्या सीधा करो अमित जी से थोड़ा सा। क्या वामा पहना है अट्टू ने? अरे वाह, देखो बाबा। तो गाइस, हम जस्ट अभी घर से निकले हैं, ब्रेकफास्ट हो गया, एवरीथिंग वाज डन, और आज कुछ डिसाइडेड नहीं है क्योंकि आज अनप्लान ट्रिप हम कर रहे हैं। हमारा आज घर जाने का प्लान था पर हम यहीं रुक गए कि चलो एक दिन एक्स्ट्रा रुक जाते हैं। तो बस हम चल रहे हैं, वी आर ऑन, और जहाँ भी हम जाएंगे आपको दिखाते रहेंगे। ओके, सलामिया, मिलते हैं थोड़ी देर में। सो गाइस, हम निकल पड़े हैं रेलवे स्टेशन की, और क्यों? क्योंकि अभी नहीं बताएंगे, क्योंकि बताएंगे भी। चलो, हमने सोचा है आज हम टॉय ट्रेन से सफर करेंगे सोलन तक का, क्योंकि हमें टॉय ट्रेन का एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। सो बस अभी हम सबके सब जा रहे हैं रेलवे स्टेशन की, और देखते हैं वहाँ का क्या प्रोसीजर है, उसको फॉलो करेंगे और फिर शेयर करेंगे टॉय ट्रेन के बैठने के लिए, क्योंकि हमने वीडियोज देखे थे, मेरा टॉय ट्रेन भी काफी अच्छा एक्सपीरियंस होगा हमारे लिए। सो हमने कहा ये भी एक्सपीरियंस करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। अगर हमें अच्छा लगेगा तो हम आपको जरूर जरूर बताएंगे। तो हम चल पड़े। मेरा फोन उठा ले। So guys, हम पहुंच चुके हैं स्टेशन, अब हम सफर करेंगे टॉय ट्रेन में। So guys, अभी हम जा रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। हम यहाँ से टिकट ले ली है, यहाँ से टिकट 30 रुपए की पर पर्सन है, 30 रुपए घूमेंगे। उसके बाद वहाँ से आने की रिटर्न ट्रेन तो आज की है, कल सुबह की है। सो हम बस से या फिर टैक्सी से आएंगे वापस। तो एक्सपीरियंस के लिए बस हम टॉय ट्रेन में जा रहे हैं, और यहाँ पे मैं, मेरा बच्चा, मेरा पति। तो अब हम जा रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, हमें मिलेगी टॉय ट्रेन। आपको पूरा व्यू दिखाएंगे, सब कुछ दिखाएंगे, और हम भी देख के एंजॉय करेंगे। स्टेशन रेलवे अमित जी ने हेलीकॉप्टर बना रखा है बच्चे का, ये है टॉय ट्रेन। गाइस, हमें सीट घेरनी है और कुछ नहीं। मुड़ के बनाओ।
जर्नी हो चुकी है शुरू और हमने सोगी तक का लिया था टिकट. यहाँ से सोगी तक जाने में टॉय ट्रेन में हमें पूरा 1 घंटा लगा था, पर आते हुए हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, 15 मिनट लगे थे. तो सोलन तक का हम टिकट नहीं लिया था हमने, क्योंकि सोलन काफ़ी दूर था. हमने कहा जाना आना बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, तो यहीं तक जाते हैं पास में, तो यहीं तक गए थे. मतलब हम खूब सारी मस्ती, खूब सारी वीडियोस बनाते हुए जा रहे थे. और आपको अगर देखना है तो रील्स में भी मैं आपको शेयर करूंगी हमारी वीडियोस, हमारा एक्सपीरियंस. तो बस देखते रहिए, एंजॉय कीजिए. Thank you.
नहीं रखा चल कर मुझे लगा ना, मैं देख रही हूँ कि क्या क्या कर रही थी, पीछे से नहीं हुआ, देखियो थोड़ा सा ऊपर। गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे अमित जी डायपर फेंकते हुए, अब तो हमने रेडी कर लिया है, जाओ डस्टबिन फेंको। अरे यहाँ से लो, तो यहाँ पे बहुत अच्छा मौसम हो गया है, तो हमने अत्तू को रूम पर बना दिया है, मामी के साथ एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे है हमारा और हमारा सामान फैला पड़ा है। सो गाइस यहाँ पे एक मंदिर था, हमने सोचा था वहाँ जाएंगे, पर जो 5 बज चुके थे वहाँ के लिए कोई बस नहीं मिल रही थी, तो हमने कहा एक काम करते हैं सीधा घर चलते हैं। तो यहाँ का मौसम हमने काफ़ी इंजॉय किया, टॉय ट्रेन का जो हमें एक्सपीरियंस लेना था वो हमने ले लिया, हमने कहा अब चलते हैं निकलते हैं घर। तो बस चलते 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 पहुँच गए हम बस स्टैंड से हम सीधा घर नहीं हम गए मॉल रोड उसके बाद, क्योंकि मॉल रोड हम नहीं घूमे थे, तो हमने कहा मॉल रोड घूम लेते हैं। तो बस यहाँ पर अत्तू के साथ खेला खेली करने के बाद हम सीधा पहुँच गए बस स्टैंड, बैठे बस में, यहाँ पे आप देख सकते हो हम सबके सब बैठ गए थे बस में। 15 मिनट का था, मुझे लगा 1 घंटा लगेगा, नहीं लेकिन 15 मिनट में हम पहुँच गए। उसके बाद हमने गाड़ी उठाई और चल पड़ी मॉल रोड की ओर। मेरे को भी दे दे। Thank you.
जी के फोन से भी यहाँ पे मौसम हो गया एकदम सुहाना, आप देख सकते हो क्योंकि सबने ले लिए हैं छाते पाते। तो मुझे पकड़ा करो, कैप्चर कैसे होगा? कैप्चर नहीं होगा गाइस, ये देख लो कीमती हाथ। तो आगे हम जा रहे हैं मार्केट में, डुन टु टुक डुन टु टुक। बारिश के चलते सब ने अपने सामान ढका दिए हैं। देखो आप, देखो 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 देख, ये देखो गाइस, चल यहाँ चलते हैं। ओके चलो, देखो अमित जी चले आ जाओ इधर, आ जाले वो टेढ़ा हो रखा, अब यही है ना। ठीक है, ये बैग्स कितने के भैया? बेबो, बेबो, यहाँ पे आ जाओ, बारिश नहीं हो रही यहाँ पे। सो गाइस, रात के बज चुके हैं 9, हम घूम रहे हैं मार्केट। मेरा फोन तो हो चुका है स्विच ऑफ। सो गाइस, हम मार्केट घूम रहे हैं, अब तो सो चुका है बड़ी मुश्किल से, बहुत ही ज्यादा परेशान कर लिया था, अब जाके बड़ी मुश्किल से सोया है। ये धीरे धीरे करके बहुत गंदा फंदा हो रहा है, ममाज बॉय बन रहा है ये बिल्कुल। सबके सब आगे जाते हुए बाबू मेरे साथ सोते हुए, पुछु 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 पुछु। गाइस गाइस गाइस, मुझे भी खिला दो, क्या खा रहे हो? बेलपूरी, बेलपूरी हम भी खाएंगे। अच्छा है, इसकी अपनी खासियत है, उसकी अपनी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो बेकार है। सो गाइस, ये व्यू दिन का तो बहुत ही अमेजिंग होता है, बट फिलहाल तो रात हो गई है, रात का भी बहुत कूल लग रहा है, बट दिन में और ज़्यादा अमेजिंग होता है। तो बस दिन का व्यू है ना, वो तो और अलग है, अल्टीमेट है वो। दिन का मतलब शाम का उजाले में, लाइट में, ये वाली लाइट नहीं, हाँ दिन में।
लास्ट टाइम हमने यहाँ पे खाया था, मानू मैं नीतू ने। वहाँ पर गए जहाँ का इंटीरियर काफी अच्छा था, तो मैंने सोचा इंटीरियर आपको दिखा देती हूँ। मेरा फोन तो हो चुका था ऑफ, अट्टू के लिए यहाँ पे बन रहा था दूध। उसके बाद यहाँ पे हमने डिनर किया, क्योंकि मेरा फोन जब ऑफ हो गया था उसके बाद मैंने बनाई मुझे के फोन से वीडियो, मैंने कहा थोड़ी सी वीडियो बना लूँ। तो बस यहाँ पर हम बहुत ज्यादा थक गए थे, क्योंकि रात के बज गए थे 11 और हम 11 बजे डिनर करने आए थे। तो डिनर करने के बाद हम सीधा पहुंचे घर, घर जाने के बाद हम बहुत ज्यादा गए सो गए थे। तो फिलहाल आप इसका इंजॉय कीजिए, और फिर हम नेक्स्ट डे निकल गए थे सीधा अपने घर। ये रेस्टोरेंट मुझे काफी अच्छा लगा, ये एक रैंडम रेस्टोरेंट में हम रुके थे, और ये बहुत इसका इंटीरियर एब्सोल्युटली मतलब अल्टीमेट था, बहुत ही सुंदर था। डिनर करने के बाद हम निकल चुके थे घर के लिए, यहाँ पे आप देख सकते हो हम जा रहे हैं घर की ओर। सो गाइस यहाँ पे सुबह सुबह Day-6 हम निकल रहे हैं घर के लिए, आप देख सकते हो। यस इतनी ज्यादा थक लग गई ऊपर आते आते, ये तो सोने वाले गाइस। अट्टू बाय बाय करो चाचू को, बाय बाय बोलो, फिर मिलेंगे चलते चलते हंसते हंसते। पांच दिन का शिमला का ट्रिप हो चुका है ओवर, एंड हेलो इज ऑन। बाय बाय अट्टू, बाय अट्टू, वहां देखो डू डू डू, बोलो चाचू जल्दी आऊंगा मैं जल्दी। बाय 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 दे दो। ओके अंकी बाय, टेक केयर चाचू, टेक केयर, बाय 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 गाइस, तेरा बंद फोन आप ही रखो ना, बाय ठीक है, बाय चलो बाय बाय जी, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, चल पड़े हैं हम अपने स्थल की ओर। इस मौसम का और व्यू का आनंद लेते हुए हम घर की ओर जा रहे थे। शिमला का हमारा जो सफर था वो हो चुका था यहाँ पे खत्म, मतलब घर पहुंचने के बाद ऑफ व्यू, बट बहुत ही अच्छा, बहुत ही अमेजिंग था। हमने जो 5 दिन स्पेंड करा साथ में बहुत ही ज्यादा फन लविंग और अल्टीमेट था। तो बस चुके थे देहरादून, घर गए, रेस्ट किया, काम धाम किया, एंजॉय किया। तो यहाँ पर करते हैं अपना व्लॉग खत्म, थैंक यू फॉर वॉचिंग।